नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सारे फ्रेंड्स को, जितने हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। और मैं शिखा सिंह आप सभी को नमस्कार करती हूँ। अभी फिलहाल ही में हमारे सामने एक राजस्थान का वीडियो आया है, जिसे देखने के बाद मेरा दिल दहल गया। और हमें पता है सोशल साइट में बहुत ताकत है, और मुझे ये भी पता है कि आप सब उस चीज़ से अनजान नहीं हैं। और बस एक बात पूछना चाहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा, क्या बस अब ये गाने के लिए रह गया है? और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी ऑनलाइन आए, जिसके पास फुर्सत हो तो आ जाए तो बहुत आभार होगा आप सभी का। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बातों का जवाब दें और मेरी बात को सुने। और एक शब्द और कहना चाहेंगे, अगर खबरदार अगर किसी ने आज हमें अपशब्द बका, कुछ भक्त आके यहाँ गाली गलौज करते हैं मेरी पोस्ट पे, वो हरगिज ना करें, क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं आता कि मोदी जी ने क्या भक्त पाल रखे हैं या पालतू कुत्ते। क्योंकि अगर आज मुझे किसी ने भी अपशब्द एक शब्द बका मेरे लाइव पर, तो शायद आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आज एक 50 साल के इंसान को इतने बेरहमी के साथ काटने के बाद उसे जिंदा पेट्रोल छिड़क कर जला दिया जाता है। क्यों, किस लिए जला, मतलब क्यों जलाया जा रहा है, ये बताइए आप लोग। क्या आप लोगों ने देखा नहीं? आप लोगों ने भी देखा है। और जिन भक्तों को उस चीज से मतलब अनजान है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, मैं इस चीज को अभी आपसे अवगत कराऊंगी बहुत ही जल्द। मैं अपने पोस्ट पे शेयर करूंगी ताकि आप लोग भी देखें, आप अनजान न रहें। हमारे हिंदू समाज में कहां चली गई जिस चीज को बताया जाता है कि हमारा हिंदुस्तान दया का है, हमारे अंदर इंसान हम पहले नहीं है, पहले हमारे अंदर दया के पात्र, हम लोग दया के पात्र तो बने, जो कि हम लोगों में अब रही नहीं, बची नहीं, वो खत्म हो चुकी है। कोई लव जिहाद के नाम पे किसी इंसान को बस इसलिए मार देता है क्योंकि वो मुसलमान है। क्यों मार देता है? आज भी आप कह सकते हैं, आज भी हम मुसलमानों का भी पक्ष लेकर बोल रहे हैं, आप चाहे तो आज हमें भी गाली दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि आज हम ना किसी हिंदू पे उंगली उठा रहे हैं ना मुसलमान पे, सिर्फ एक इंसान पे उठा रहे हैं, जो ये हरगिज नहीं होना चाहिए हमारे भारत में। क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? उसको इतनी बेरहमी से जिंदा जला दिया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ गुजरात में हो रहे चुनाव के कारण किया गया है, वहां से नजर हटाने के लिए किया गया है। ये सारी साजिश राजनीति की है, अब सब मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, और बेहतर है कि आपको भी समझ में आ जाए, हमारे सारे मित्रों को समझ में आना चाहिए ये बात। क्या भारत में हमारे सिर्फ एक मुद्दा रह गया है? हाँ, हमारे भारत में प्रधानमंत्री जी पहले एकता बनाते हैं, हमारे देश को चलाने का वादा करते हैं, फिर हमारे देश को ले डूबते हैं। राम नाम सत्य है, और बेहतर होगा ये कि हम मरने के बाद कहें, इससे अच्छा है कि हम जीते जी कह लें ये चीज। ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। जब मोदी जी हमारे शपथ ले रहे थे, उस समय हमारी भारतीय रेल राजधानी एक्सप्रेस पलट गई, जिसमें 100 लोगों की मौत हो गई। हमारे अच्छे दिन तो वहीं से शुरू हो गए थे, हमारे अच्छे दिन उसी वक्त शुरू हो गए थे, और ये हमें समझ जाना चाहिए। हमने पहले भी एक चीज बहुत अच्छी पोस्ट की थी कि इतने तो बेबड़े भी पीकर नहीं फिसलते जितना हमारी भारतीय रेल फिसलती है। ये हमने लिखा था, कितना तो हमारे यहाँ बेबड़े भी पीकर नहीं फिसलते जितना भारतीय रेल फिसलती है, और इसमें ये हकीकत है। हमारे अच्छे दिन वहीं से शुरू हो गए थे। क्या हमारे भारत में बस एक ही मुद्दा रह गया है, हिंदू और मुसलमान? गरीबी है, भ्रष्टाचार है, बलात्कार है, क्राइम है, और सब मुद्दे हैं, आखिर इन पर क्यों चर्चा नहीं होती? सिर्फ यही रह गया, यही एक मुद्दा रह गया है हमारे भारत में, सिर्फ एक मुद्दा रह गया है। अगर आप लोगों की भी अपनी बात रखनी है, बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन सा ऐसा हिंदू होगा जो इतना बड़ा क्राइम होने के बाद भी आवाज नहीं उठाएगा? क्यों किसी नेता ने इस पर उंगली नहीं उठाई? क्यों किसी नेता ने इस बात को नहीं रखा? क्यों किसी नेता ने इस सवाल को नहीं उठाया? क्या सब अनजान है? क्या किसी तक ये बात नहीं पहुंच रही होगी? क्या किसी नेता तक नहीं पहुंच रही होगी? मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। कौन सा ऐसा लीडर है जिस तक ये बात न पहुंचे? एक मुसलमान को इतनी बेरहमी से मार दिया जाता है, आखिर क्यों मार दिया जाता है, बताइए आप, आपसे हम जवाब चाहते हैं। बेचारे 50 साल के मजदूर को इतनी बेरहमी से मारा जाता है, आखिर क्यों मारा जाता है? बलवंत चौहान, मोदी जी के बारे में कुछ मत बोलो प्लीज, बताइए क्यों ना बोले? आपसे सवाल, आज हम जब सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहते हैं। हमें भारत में अपने अपने भारत का विकास देखना है, ऐसे हम विकास देखेंगे? बलवंत जी आप बताइए, आप गायब मत होइएगा, हम आपसे ही पूछ लेते हैं, हमारे भारत का ऐसे विकास होगा जो उनके साथ हुआ कल को हमारे साथ हो? हमें ही जिंदा काट के वहीं जिंदा जला दिया जाए तब ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो फेक न्यूज है। जी नहीं, वो फेक न्यूज नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो अंधभक्त बन रहे हैं, मैं उन तक बहुत जल्दी वीडियो अभी डालने जा रही हूँ ताकि आप तक ये बात पहुंचे।
जुगलम पटेल, जय श्री राम। हाँ ठीक है बलवंत जी, आपने सही कहा फेक न्यूज है। उस फेक न्यूज को ऐसे काफी मीडिया वालों ने अभी तक तो दिखाया नहीं था, लेकिन अब जब जनता का शोर हो रहा है तो अब वो वीडियो वायरल हो रही है। और बेहतर होगा कि मैं उनसे पहले मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा दूं, ताकि आप लोग उस वीडियो से अवगत हो जाएं। सिर्फ सिर्फ चुनाव कारण, रोहित वीर मैं आपके बात से 100% सहमत हूँ, ये सब चुनाव के कारण ही हो रहा है। और जो गुजरात में हो रहा है मॉडल चुनाव, उसके कारण ही हो रहा है, और वहां से ये नजर हटाने के लिए हो रहा है, ताकि ये सब मुद्दे, ये सब जितनी बातें हैं, आदमी अपने में आपस में भिड़ जाए, हिंदू मुसलमान आपस में कट के मर जाए, और इनको इनकी कुर्सी मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ इनको इनकी कुर्सी मिल जाए। मैं ऐसी नहीं थी, मैं किसी पार्टी को बिलोंग, सुनिए आप, मैं आज एक बात और कहना चाहती हूँ सभी से, कि मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती थी अभी तक, क्योंकि मेरी नजर में कोई अच्छा लीडर नहीं था। आप लोगों ने कहा था ना कि आपका कौन है, आपका फेवरेट लीडर कौन है, हमें आनंद कुमार यादव देख रहे हैं, बताइए। आप लोगों ने हमसे पूछा था, हम थे नहीं, हम ना मोदी जी को ना अखिलेश जी को, किसी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बाद में हमने अखिलेश जी को सपोर्ट किया। और इसलिए नहीं किया, इसलिए किया क्योंकि हमने कहा ना, वो युवाओं का साथ देते हैं, वो सही गलत का भी साथ देते हैं, और बेहतर होगा इस बात को सबसे पहले वही उठाएं। नहीं नहीं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन फेकू है कौन, नो नो, मैं इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहती। मेरी नजर में मेरा ये मानना है कि फेंकना, फेंकने में और करने में बहुत फर्क है। जो करके दिखाता है, मेरे लिए बेस्ट लीडर वही है, मेरे लिए बेस्ट पीएम, बेस्ट सीएम, सब कुछ बदल कर देख लिया, लेकिन विकास नहीं आया, ना विकास आने वाला है। बहुत जल्दी हमारे भारत का टाटा फिस होने वाला है, अगर यही हाल रहा, आपस में हिंदू मुसलमान सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को काटने के लिए तैयार होते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत में, हमारे भारत में सिर्फ और सिर्फ झंडे दिखेंगे, इंसान नहीं दिखेंगे। और ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, अभी भी आप लोग सुधर जाइए। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है आप सब में, हमारे भारत में अभी तक तो इस तरह की बात हुई नहीं थी। आखिर बस एक सवाल पूछना है कि बीजेपी की सरकार आई तब से ये क्यों हो रहा है, तब से ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, अभी तक तो ये नहीं था। आज हम जिस गली से जाते हैं तो उसमें हमको भी बोला जाता है, अरे मैडम आप तो ठाकुर हो के क्या बात है, आजकल उनका मुसलमानों का सपोर्ट कर रही है। कितनी शर्म आनी चाहिए, हमको आनी चाहिए। मैंने तो उससे एक ही शब्द कहा कि मैं आपको चुल्लू भर पानी लाकर दे रही हूं, और बेहतर है कि आप उसी में डूबकर मर जाएं, क्योंकि ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, सबसे पहले मैं इंसान हूं। अगर मेरी बातों में अगर थोड़ा सा भी आपको सच्चाई समझ में आ रही है, अगर थोड़ी सी भी आपको सच्चाई समझ में आ रही है, तो आप लोग अपने अपने पोस्ट पर, और या तो आप लोग से निवेदन है हाथ जोड़कर, एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, या तो अपने अपने घरों की टीवी को ऑन कर लें और एक बार जरूर देखें। अगर मेरी बात गलत लग रही है तो हमने ये लाइव वीडियो किया हुआ है, आप बहुत अच्छे तरीके से, जितने आपको नए नए शब्द आते हैं, क्योंकि आप जितने लोग हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं तो वो ठीक हैं, लेकिन जो कुछ गाली बकते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं शिखा सिंह किसी से डरती नहीं हूं। आप गाली देके अपना परिचय देंगे, अपने संस्कार का परिचय देंगे, और अगर आप हमें गाली देते हैं तो ये लीजिए, मेरे लिए आपकी गाली सिर्फ इस समान है, मैं झाड़ देती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी गाली हमें लिपटने वाली नहीं है। बिल्कुल हो गया है, हमारे भारत में हो चुका है, अब हमारे भारत में एकता नहीं होने वाली। हमारे भारत की जितनी तरक्की होनी थी, हमारे जितने अच्छे दिन आने थे, हमारे यहां जितना विकास होना था, सब हो गया। हमें तो अपने भारत में विकास उसी वक्त नजर आ गया था जब अभी राधा का गैंग रेप हुआ, और वो लड़की जो है उसका भाई बिलक बिलक कर रो रहा था, वो हॉस्पिटल में जो है तो अपना सलवार उतार के, सलवार उठा उठा कर रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, और वहीं जाकर कहा जा रहा है कि नहीं ये सिर्फ एक्सीडेंट है। मैं पूछती हूँ कैसा एक्सीडेंट है, कि एक लड़की के साथ एक्सीडेंट होगा तो सलवार उतारेगी और उठा उठा के कहेगी कि नहीं मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये एक्सीडेंट होता है। उस पर भी किसी मीडिया वालों ने, किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्यों नहीं उठाई? उसके परिवार वालों को लाइव वीडियो का सहारा क्यों लेना पड़ा? हमसे कहा जाता है कि आप गलत बोल रही हैं, शिखा जी आप गलत बोल रही हैं। आज देखिए मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार जब से आई है, तो देखिए आज जो भी क्राइम कर रहे हैं वो जेल में आपको दिखाई देंगे। कहां जेल में, बाबा जी का घंटा जेल में कहां दिखाई दे रहे हैं, बताइए जरा मुझे। मैं आवाज में अब शब्द नहीं बोलती हूं, लेकिन जहां महिलाओं के लिए, जहां उनके आत्मसम्मान के लिए अब अगर एक उंगली भी उठेगी तो मैं बख्शूंगी किसी को नहीं, चाहे उसके लिए मुझे जेल में
क्यों ना मतलब जाना पड़े, आज आप लोग को मैं बता देती हूँ। और सुधर जाइए, पहले तो नारी का सम्मान करना सीख लीजिए। जितने अपशब्द आप लोग बोलते हो उस चीज में आप अपने अभी से रोक लगा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। अभी अभी हमारे लिए इतने अच्छे शब्द मैं शायद अपने मुंह से बोल भी नहीं सकती, किसी ने गाली दी थी अगर यकीन नहीं होता तो वो भी मैं डालूंगी, उसने भी लगा रखे हैं हिंदू, राष्ट्रवादी हिंदू। वाह वाह रे हमारे हिंदू। हमें कहा जा रहा गुजरात विकास कर रहा है, गुजरात के लोग ही गाली दे रहे हैं गुजरात विकास कर रहा है। कितना विकास हुआ है, हम देखने तो नहीं गए हैं पर इतनी तो खबर हमें भी होती है, कितना विकास किया है। अरे हमारे यूपी जैसे सड़कें बनाने में मोदी जी को वहां 5 साल लग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा उदाहरण दिया है हमारे यूपी की सड़कों का। हमारे यूपी की सड़क जो है ना वही बनाने में मोदी जी को 5 साल निकल जाएंगे, विकास क्या करेंगे। मोदी जी मोदी जी मोदी जी आप रेत के समंदर हो, मोदी जी आप रेत के समंदर हो, प्यास क्या बुझाओगे। मोदी जी आप रेत के समंदर हो, प्यास क्या बुझाओगे। अरे यहां तो राम मंदिर बनवा नहीं सके, पूरा भारत क्या खाक चलाओगे। बस फेंकने में और करने में बहुत अंतर है। अगर आप फेंक नहीं रहे होते, अगर आज आप फेंक नहीं रहे होते तो आज ये कहीं ना लिखा होता आपका नाम, आपके नाम से 20 आईडी ना चल रही होती कि फेकू जी नौटंकी फेकू। बहुत तरह की हमने आईडी देखी है आपकी। अच्छा चंदन जी चुप कर, क्यों चुप करूं, क्या कर लेंगे आप, आप कर क्या लेंगे आप, मेरे लाइव वीडियो में क्या आके हमारे घर में घुस के मारेंगे। कहिए तो आपको एड्रेस देती हूं, आइए जरा, ऐसा पछाड़ूंगी कि दोबारा शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। हमने कहा ना इंसान पहले बन जाओ, भक्त बाद में बनना मेरे सामने। हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक लड़की समझते हैं क्योंकि हम आपकी तरह नहीं है, हम आपकी तरह नहीं है, हम आपकी तरह भेदभाव नहीं करते हैं। जितना पीएम जी हमारे कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब हमारे बीच कलेश कर दिया है उन्होंने, जो वो किए इस चीज से मैं डरती नहीं हूं। और मुझ पर तो ये उंगली उठाना नहीं तुम लोग, बेहतर होगा। और अगर इंसान नहीं बन सकते हो, अभी इसी वक्त हमारे आईडी से बाहर हो सभी के सभी, जो गलत के लिए, जो गलत बातों पे कहीं उंगली नहीं उठा पाते और यहाँ फेसबुक पे चलते हो मर्द बनने, गाली देने बस फेसबुक पे आता है, लंबी चौड़ी भाषण झाड़ते हो बकायदे। हमें लंबी चौड़ी भाषण आके फेसबुक पे झाड़ रहे हो, अपने घर को तो संभाल नहीं पा रहे हो। हो सकता है मोदी जी तुम्हें घर में जाकर खाना देते हो, हमें नहीं देते, हमारे यहाँ खुद कमाने वाले हैं खुद खाने वाले हैं। यहाँ जो भी आप लोगों में से भी, मैं सारी सभी की बात कर रही हूँ, कौन है ऐसा जिसको घर में बैठकर खाना मिल जाता है, जरा बताओ मुझे। सब मेहनत करते हो मेरे भाइयों, दिन रात आप मेहनत करते हो, हमें भी पता है, फिर आखिर क्यों क्यों इस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं। आप भी पसीना बहाते हो, आप भी मेहनत करते हो, तब जाके आपको 2 वक्त की रोटी मिलती है। जब ऐसा है तो आप लोग क्यों इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं, आप लोगों को सही और गलत का समझ क्यों नहीं आ रहा है। अभी भी खत्म कर दो मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, बस इतना ही बोलना है कि अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए। आप लोग, हम नहीं कहते कि आप इसको सपोर्ट कीजिए उसको सपोर्ट कीजिए, सबको अपना प्रधानमंत्री सबको अपना मुख्यमंत्री चुनने का हक है, आप बिल्कुल खुलकर सपोर्ट कीजिए उन्हें, हम नहीं कहते, पर बस आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि अगर जहां गलत लगता है वहां आप एक बार उंगली जरूर उठाएं, एक बार आप बोले जरूर, तब हमारा देश देश बनेगा, तब हम गर्व से कह सकेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। वरना क्या करेंगे, सिर्फ ये गाकर क्या रह जाएगा, जरा आप बताइए हमें। बहुत अच्छे जवाब कर रहे हो मैडम, बहुत अच्छा कर रही हैं आप। हमारे सिर्फ एक बात कहना, सिर्फ एक से क्या होता है, सिर्फ एक लोगों से कहने से क्या होता है, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम क्या कर लेंगे, हम इतना भाषण झाड़ के भी क्या कर लेंगे। अगर हमारे भाइयों में उतने पर भी एकता नहीं बन पाती तो हम क्या कर लेंगे। अगर उतने पर भी आपको समझ ना आया, उतने पर भी आपको समझ ना आया तो मेरा तो सिर्फ भोंकने के लिए रह गया कि हम सिर्फ कुत्ते बन के भोंक रहे हैं यहाँ। नहीं नहीं मेरे भाइयों, आप ऐसा ना करें, आप जागरूक हों, हमारे
हम कहते हैं ना कि हमारे भारत की जो जनता है इससे सब कुछ बनता है, और वाकई में हमें अपने भारत पर गर्व है, लेकिन अभी भी आप लोग सुधर जाएं, सुधर जाएं, सुधर जाएं, बस इतना ही कहना है। हम सभी भारतवासी हैं और हम सब में एकता होनी चाहिए, और वो रहे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं किसी को कुछ गलत नहीं बोल रही हूं, अगर किसी को मेरी बातों से ठेस पहुंचा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। बिल्कुल बिल्कुल रावत धर्मेंद्र जी, मैं आपके बीच अभी इसी वक्त मैं, हाँ मैं एक चीज और, मैं सारे अपने फ्रेंड से एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं अभी जिस मुद्दे पे मैंने ये बात उठाया है, मैं आखिर हाँ एक चीज और कहना चाहेंगे कि हमने फिर से भी कहा था कि क्यों किसी तरह का मतलब मुद्दा नहीं उठ रहा। बस हमारे भारत में हमको लग रहा बस हिंदू मुसलमान बन के यही एक मुद्दा रह गया है क्या? अब कोई मुद्दा नहीं रहा, बस यही मुद्दा रह गया है हिंदू और मुसलमान, ये खत्म कर दीजिए। हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोग से, ये खत्म कर दीजिए, अभी भी वक्त है। और मैं आपके बीच रखने जा रही हूं, मैं वीडियो भी रखूंगी और मैं वो सारी फोटोज भी रखूंगी ताकि आप अवगत हो जाएं इस चीज से, आपको ये ना लगे कि मैं भी फेंक रही हूं। मैं फेंक नहीं रही हूं, मैंने वही बात कही है जो मैंने देखा है अपनी आंखों से, जो वीडियो मैंने देखा है, मेरा दिल दहल गया है। आप शायद इस चीज को, आप भी बाल बच्चे वाले हैं, गोरखपुर में जितने बच्चे मरे थे उस पर भी लोगों ने कहा, क्या कहा था आपके योगी जी, नहीं कहा था, सबका तो ठेका नहीं लिया है, पर काश कि अगर उनकी औलाद होती तो वो उस दर्द को समझते, वो उस दर्द को समझते, लेकिन वो भले ना समझे, पर मैं एक माँ हूं, मैं एक माँ हूं, मैं उस चीज को, उस दर्द को, उस एहसास को मैं समझ सकती हूं। आप समझे ना समझे आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि आज आप बाप नहीं बने तो क्या हुआ, कल तो आप बाप बनेंगे, शायद उस वक्त आपके मुंह से ये शब्द नहीं निकलेगा, उस समय आप कहेंगे कि हाँ इन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। मैं इस चीज को समझ रही हूं, मैं इस दुख को देख रही हूं, मुझे अपने अच्छे दिन भी नजर आ रहे हैं, मुझे अपने बुरे दिन भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन हमने साइड में कर दिए हैं, और अभी जो बुरे दिन चल रहे हैं बेहतर होगा वो खत्म हो जाए, जिस दिन वो खत्म हो जाएगा हमारा भारत वाकई तरक्की कर लेगा मेरे दोस्तों। और आप लोग भी, आप लोग से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग अभी भी पहले इंसान बन जाए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बेवकूफ हो, प्रसाद प्रसाद प्रजापति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस शब्द से ही पता चल गया कि आप बीजेपी पार्टी के हैं। आजकल तो हमने कहा ना कि अभी तक तो हमें गर्व होता था कि मोदी जी का नाम लेते थे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन आजकल तो उसका क्या कहते हैं, आजकल तो ये नौमत आ गई है कि अगर मैं अपने बच्चे को सुलाना चाहती हूँ मोदी जी का नाम लेती हूँ तो वो डर से सो जाता है। ऐसे दिन ना लाओ, ऐसे दिन ना लाओ कि लोग ये कहने पे मजबूर हो जाए कि बेटा सो जा गब्बर आ जाएगा, अब लोग ये ना कहने लगे कि बेटा सो जा वरना मोदी आ जाएगा। इसलिए आप लोग भी सुधर जाइए, हमें गाली देने से पहले खुद सुधर जाइए। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं अवगत हूं आप लोगों के नेचर से, और मुझे ये पता है कि ये वीडियो खत्म होने के बाद मेरा किस तरह से सम्मान होने वाला है, लेकिन मेरा क्या कर लोगे, मेरा क्या कर लोगे, मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगर जितनी मर्दानगी दिखानी है ना, तो मैंने वही कहा, अगर आपको मर्दानगी दिखानी है ना तो यहाँ मेरे फेसबुक पर, मेरे लाइव वीडियो पे, किसी के फेसबुक पर जाकर नहीं, सामने जाके मर्द बन के सीना तान के खड़े हो और कहो कि अगर तूने ऐसा किया या किसी महिला के साथ छेड़खानी की या किसी महिला को अपशब्द बोला तो तुझे जिंदा खन के गाड़ देंगे। जिस दिन इतनी मर्दानगी वहां दिखाओगे उस दिन हमें गर्व होगा और हम सारी महिलाएं छाती एकदम ठोंक कर कहेंगे कि हमारे भारत की नौजवान है, ये हमारा भारत है जहां तानाशाही और ये दबंगई नहीं चलेगी, यहां गुंडा राज नहीं है, यहां मोदी जी का राज है। जिस दिन ये करके दिखाना उस दिन सामने अपनी शक्ल दिखाना, वरना अपनी मनहूसे शक्ल लेकर मत आना, क्योंकि हमारे मनहूस दिन वह तब से ही आ गए हैं जब से मोदी जी की सरकार आई है, और इससे ज्यादा मनहूस दिन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आई बात समझ में? और जितनी हाय कड़ी है वो अपने तक रखो तो ज्यादा बेहतर होगी। हम भी फेसबुक पर सिर्फ भोंकते नहीं है, क्योंकि हमारे सामने जो आता है ना इस तरह का भोंकता है अगर, तो हम उसको काटना भी जानते हैं कि हमको किस तरह काटना है। वो और महिलाएं होंगी जो मुंह बंद करके चुप करके घर में बैठ जाती हैं, वो लाचार हैं, और वो हर महिला के लिए हम कहना चाहते हैं कि गलत है, वो गलत कर रही हैं, अपने साथ भी गलत कर रही हैं। जहां इस तरह का क्राइम हो रहा है, जहां इस तरह की बात हो रही है, जो बुरी नजर से देख रहा है उसकी आंखें निकाल लो, जो बुरे शब्द बोल रहा है उसकी जबान खींच लो। वो दिन गए, वो द्वापर त्रेता सतयुग नहीं, ये कलयुग है, जैसे को तैसा। जय हिंद, जय भारत।